हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग एक बेसिक जनरल नॉलेज का सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ उनके लिए ज़रूरी नहीं है जो कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके सोसाइटी और इन्वायरमेंट में अभी चल रहा है, ठीक है। और तो इसके हिसाब से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज। और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी देख सकता है, जो हाउसवाइफ हो, कोई वर्किंग पर्सन हो, कोई भी स्टूडेंट हो, एनीवन। ओके, तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया। ओके, तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज, बी है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज, सी है 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी, और डी है 29 स्टेट्स एंड 8 यूटी। ओके, तो इसके आंसर होंगे सी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज। क्योंकि पहले क्या थे, हमारे पास 29 स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर को अलग होने के बाद हमारे एक स्टेट कम हो गए, तो 28 स्टेट्स बच गए, 29 माइनस 1। लेकिन जो यूनियन टेरेटरीज पहले 7 थे, और यूनियन टेरेटरीज दो, जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरेटरीज में डिवाइड कर दिया गया, तो उसके कारण वो 7 प्लस 2 9, ऐसा 9 होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि एक दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, हमारा जो 2 यूटी है, उसको कंबाइन करके 1 बना दिया गया, तो 7 था तो 6 हो गया, और इधर 2 बढ़ गया। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे लंबा नदी कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है नाइल रिवर, सी है गंगा, एंड डी है यांगत्जे। ओके, तो इसका हमारा आंसर होगा नाइल रिवर। नाइल रिवर है जो कि 6,650 किलोमीटर का है, वो सबसे लंबा रिवर है पूरे दुनिया में, ठीक है। और दूसरे पे आपका आता है अमेजन, जो कि 6,437 किलोमीटर है। ओके, तो सबसे लंबा नदी हो गया हमारा नाइल रिवर। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, जो हमारा अभी नया लद्दाख का यूटी बना है, यूनियन टेरेटरी, उसका कैपिटल कहाँ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ले, दूसरा है हेमिस, तीसरा है जम्मू, और चौथा है मनाली। तो इसका आंसर आपका होगा लेह, क्योंकि लेह जो है वो यूटी लद्दाख में सिचुएटेड है और लद्दाख का कैपिटल है। ओके, हेमिस जो है वो लद्दाख में ही है, लेकिन दूसरा कोई शहर है। जम्मू आपका जम्मू कश्मीर में है, और मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एरोप्लेन फ्लाइज, मतलब जो हमारा एरोप्लेन फ्लाई होता है, जो हमारा एरोप्लेन है, वो किस लेयर में, अर्थ के किस लेयर में फ्लाई करता है, ठीक। तो पहला है स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा है ट्रोपोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। क्योंकि हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बने होते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद वाला लेयर होता है धरती से। अगर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अर्थ से, तो फर्स्ट 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद उसके ऊपर 40 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर 90 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर होता है। ओके, तो हमारा एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर में मूव करता है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, जो हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं जनरली, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है वायरलेस फील्ड, दूसरा है वायरलेस फिडिलिटी, तीसरा है वायर फील्ड, एंड फोर्थ इज वायर फिडिलिटी। तो इसका आंसर होगा आपका वायरलेस फिडिलिटी, बी ऑप्शन, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला लैंग्वेज कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है इंग्लिश, बी है फ्रेंच, सी है हिंदी, एंड डी है मैंडरिन चाइनीज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, मैंडरिन चाइनीज, मतलब चाइनीज जो हमारा भाषा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे स्पेनिश भाषा आता है, और इंग्लिश आता है तीसरे नंबर पे, और हमारा जो हिंदी है वो, जो कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आपका फोर्थ नंबर पे आता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर, मतलब पेपर का आविष्कार किस देश ने किया। तो पहला हमारा ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है चाइना, सी है जापान, एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, मतलब हमारा जो क्रिकेट का पिच होता है, जो कि
एक बॉलिंग के साइड हमारा विकेट होता है और एक बैटिंग के साइड विकेट होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है 21 यार्ड, दूसरा है 22 यार्ड, सी है 18 यार्ड एंड डी है 24 यार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 यार्ड्स। ओके, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री, मतलब दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी आइसलैंड, सी वैटिकन सिटी एंड डी मालदीव्स। तो हमारे इसके आंसर होंगे सी वैटिकन सिटी, क्योंकि वैटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसका कैपिटल भी वैटिकन सिटी ही है, और इसमें केवल 825 लोग रहते हैं, ठीक है, और ये यूरोप में सिचुएटेड है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड टुडे, मतलब आज के दिन में दुनिया में कितने देश हैं टोटल। तो हमारा ऑप्शंस है 201, दूसरा है 186, तीसरा है 205 एंड चौथा है 195। तो आपके करेक्ट आंसर होंगे 195, जो कि यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया है। यूएन किसको बोलते हैं, यूएन यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं, जिसमें कि जो कि सारे इंटर ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे देश के गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है और कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो सभी मिलके लेते हैं। तो करेंटली 195 कंट्रीज। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।